डूइनो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हेस्टर बायोसाइंसेस के बारे में। दरअसल इस कंपनी का 35% पोल्ट्री वैक्सीन बाजार में एक मार्केट शेयर है और इस कंपनी की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे फन फैक्ट इस कंपनी से रिलेटेड भी हैं। सबसे पहले ये कंपनी करीब 25 अलग अलग देशों के अंदर अपनी प्रेजेंस रखती है और मेजरली भारत, नेपाल और तंजानिया, ये कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिसको प्रोमिनेंटली ये केटर करते हैं। असल में शुरुआती दिनों में जो राजीव गांधी थे, जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, उन्होंने ये सोचा था कि वो एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज में उतरेंगे और वहाँ पर वो एक्सपैंड करेंगे, लेकिन उन्होंने विद टाइम ये रियलाइज़ किया कि उनको पोल्ट्री वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा अच्छे एवेन्यूज दिखाई पड़ रहे हैं और वहाँ पर एक्सपैंड करना उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उन्होंने ह्यूमन वैक्सीन की जगह पोल्ट्री वैक्सीन कारोबार के अंदर विस्तार करते हुए दिखाई पड़े और बिना एक्सपीरियंस के उन्होंने इस कारोबार में ना केवल विस्तार किया बल्कि एक बढ़िया पैठ भी मजबूत होते हुए दिखाई पड़ी। शुरुआती कारोबार में वो जो घेन कॉप है, जापानी कंपनी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे कामकाज करते थे और डिसइंफेक्टेंट और साथ साथ अलग अलग केमिकल्स जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी उसके सप्लाई का कामकाज करते थे। और एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये भी है कि एक समय पर वो खुद टाटा 407 ट्रक चलाकर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को माल सप्लाई करते थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने पिकअप किया और धीरे धीरे एक अच्छी रफ्तार भी आते हुए दिखाई पड़ी। कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट में कंपनी करीब करीब 80% मार्केट शेयर ओन करता है गोट पॉक्स कारोबार में भारत में और रफली 75% PPR वैक्सीन में ग्लोबली ये मार्केट शेयर ओन करते हैं, जो कि गोट जो पॉक्स होता है उसके लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के बड़े मार्केट शेयर कमांड करने वाली कंपनी हेस्टर बायोसाइंसेस के बारे में कुछ फन फैक्ट, आया कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे।